बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। दिस इज़ लेक्चर फॉर क्लास थ्री सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे द टॉपिक ऑफ माय लेक्चर इज रिवीजन ऑफ फ्यूचर टेंस एक्स्ट्रावर्क ट्रांसलेशन। बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम फ्यूचर टेंस के बारे में पहले सीख चुके हैं, अब हम इसको रिपीट करते हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस कौन सा होता है? मुस्तकबिल, यानी कि आने वाला जो ज़माना होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। और इसमें हमने प्लानिंग करनी होती है कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। इट टेल्स अस ऑफ एन एक्शन विच इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, कि हमने इस फ्यूचर टेंस में, ये ऐसा टेंस है जिसमें हमने आने वाले वक्त में जो एक्शन करने होते हैं उसको ये शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हमेशा सच बोलूँगा, वो स्कूल जाएंगे, हादी फुटबॉल खेलेगा। तो इसकी पहचान ये है कि इसके हर फिक्रे के आखिर में गा, गी और गे वगैरह आते हैं, यानी कि जो फिक्रा कंप्लीट होगा उसके एंड के जो वर्ड होंगे वो ये होंगे। जैसे मैं हमेशा सच बोलूँगा, ये कि इसमें हम प्लानिंग शो कर रहे हैं कि मैं हमेशा सच बोलूँगा। इसमें टू हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, शैल और विल। फ्यूचर टेंस के जो मेन हेल्पिंग वर्ब हैं वो शैल है और विल। आई वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, ई शी इट यू दे के साथ हम विल यूज़ करेंगे। कि जब हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उनमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे वो है शैल और विल। फॉर एग्ज़ाम्पल, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शैल, इसमें भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और ऑब्जेक्ट। आई शैल राइट अ लेटर, आई सब्जेक्ट है, शैल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल में से आई का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? शैल। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है लेटर, आई शैल राइट अ लेटर। शी का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? विल, शी विल राइट अ लेटर। यू का हेल्पिंग वर्ब भी विल है, यू विल हेल्प मी, आप मेरी मदद करोगे। वी शैल सॉल्व सम, कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखें, इसमें जितने भी ये विल और शैल में जितने हमने सेंटेंसेस बनाए हैं ये आने वाले टाइम में जो हमने करना है ये उसको शो कर रहा है कि मैं ख़त लिखूँगा, वो ख़त लिखेगी, वो मेरी मदद करेगा, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कि इसमें हमने बताना है कि हमने कौन कौन से काम करने हैं। जब हमने फ्यूचर टेंस को नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है, इसमें हमने नॉट का यूज़ करना है, नहीं का, कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो मेरी मदद नहीं करेंगे, हम इंतज़ार नहीं करेंगे। तो जब हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल और शैल, फिर उसके बाद उनके फ़ौरन बाद हमने नॉट यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल ना, शैल हेल्पिंग वर्ब कौन सा आई का? शैल। I shall not drink milk. He will, helping verb will, he will not drink milk. कि वो दूध नहीं पिएगा। They will not drink milk. वो दूध नहीं पिएंगे। We shall not drink milk. हम दूध नहीं पिएंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका ये है कि हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शैल, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इंतज़ार नहीं करेंगे, वी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो मेरी मदद नहीं करेंगे, दे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने नॉट का यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, किसकी मदद नहीं करेंगे? मेरी। ही विल नॉट हेल्प मी, कि वो मेरी मदद नहीं करेंगे।
और इस तरह जब हम इनको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, फ्यूचर टेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद राइट किया था, अब हम उसको सब्जेक्ट से पहले राइट करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हम ये साइन भी शुरू करें शो करेंगे कि ये साइन ही हमें बताता है कि दिस इज़ अ क्वेश्चन। विल दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलेंगे। शैल वी राइट अ लेटर, क्या हम खत लिखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है कि क्या वो खेलेंगे, क्या हम खत लिखेंगे। विल ही मेक टी, क्या वो चाय बनाएगा। देखिए विल शैल ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो विल और शैल है उसको हमने सबसे पहले राइट करना है, उसके बाद हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क राइट ज़रूर करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्वेश्चन मार्क राइट करना है, नेगेटिव और सिंपल सेंटेंस के बाद हमने फुल स्टॉप यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो घंटी बजाएगा। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ही सब्जेक्ट रिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट बेल, क्या वो बेल बजाएगा। देखिए वो अपनी प्लानिंग शो कर रहे हैं कि वो एक्शन शो कर रहे हैं कि जो उन्होंने करने हैं, तो उसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वो घंटी बजाएगा। विल ही रिंग द बेल, हम क्या हम स्कूल जाएंगे, ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें भी शैल वी गो टू स्कूल, शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वी क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। शैल वी गो टू स्कूल। जब हमने सिंपल सेंटेंस बनाना है फ्यूचर टेंस का, तो उसमें हमने सब्जेक्ट के बाद हमने विल शैल में से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद जब हमने हेल्पिंग वर्ब विल शैल यूज़ करना है, तो उसके फौरन बाद हमने नॉट यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जुमला बनाने के लिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले राइट करना है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। तो स्टूडेंट ये फ्यूचर टेंस बनाने का फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स आपने फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हुए पहले फ्यूचर सिंपल टेंस बनाने हैं, फिर उनको नेगेटिव में चेंज करेंगे, फिर उनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तुम कुर्सी पर बैठोगे, तुम कुर्सी पर ना बैठोगे, क्या तुम कुर्सी पर बैठोगे। वो घर जाएंगे, क्या वो घर नहीं जाएंगे, क्या वो घर जाएंगे। मैं पानी पीऊँगा, मैं पानी ना पीऊँगा, क्या मैं पानी पीऊँगा। तो आपने इन सारे सेंटेंसेस की नोटबुक पर प्रैक्टिस करनी है। पहले आपने सिंपल फ्यूचर टेंस बनाएंगे, फिर उसको अपने नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, और फिर उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। स्टूडेंट दिस इज़ योर डायरी, डू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ऑन नोटबुक। अभी जो आपने ये सेंटेंसेस देखे हैं, इन सब की आपने नोटबुक पर प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।